मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। ये चीजें देखता हूं मन को इतना संतोष होता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जब पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे तो उन्हें अचानक अपना बचपन याद आ गया। आमंत्रित करना चाहूंगी। बचपन की वो गरीबी याद आ गई। बस वही गरीबी एक टीस बनकर उनकी जुबान पर आ चढ़ गई। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। बीते दिनों की वो कड़वी यादें कई बार एक काश की भूल भुलैया में भटक जाती हैं। पीएम मोदी ने बचपन में शायद ऐसे ही घर की ख्वाहिश की होगी, इसीलिए उन दिनों को याद करते आज वो भावुक हो गए। मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते और इतना भावुक हो गए कि आंखें ना ना करते हुए भी डबडबा गईं, गला रुंध गया। ये चीजें देखता हूं मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आंसुओं का क्या है, वो बह जाते हैं लेकिन अपने साथ मन पर छाए कई भार को भी बहा ले जाते हैं। एनडीटीवी के लिए सोलापुर से सुनील सिंह की रिपोर्ट।